think हम लोग यही बात कर रहे थे उस दिन के हमने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया था इंट्रोडक्शन एक्ट के टाइम, और फॉर द फर्स्ट टाइम नचबलिया के सेट पर आकर वो नर्वसनेस नहीं फील हो रही थी, एंड वी रियली इन्जॉयड आर सेल्व्स, विच वॉज अ वेरी रेयर फीलिंग, क्योंकि हमें याद है कि हम कितने घबराए हुए रहते थे, टेंशन में रहते थे एक्ट्स की. तो जजेस क्या बोलेंगे, सारे पूरा एक्ट ठीक से होगा कि नहीं, प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा, मैं कुछ भूलूंगी तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती थी. बट या फॉर अ चेंज हम टेंस नहीं है, एंड अच्छी बात यह है कि हम लोग अब अच्छे पलों को याद कर रहे हैं. वैसे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बहुत ग्रिलिंग होती है, पर अब हमें सब अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं. बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है. हमने जब फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया था, हम बेसिकली सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे थे, पर हम शो छोड़ ही नहीं पाए. हमने पूरा शो देखा, यहाँ तक कि इन्हें भूख लग रही थी और हम लोग खाना लेकर नहीं आ रहे थे कि नहीं नहीं रुको ना, अभी और बेचैनी नहीं, रुको ना. सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेक्स. सो इट्स वेरी वेरी एंटाइसिंग, वेरी ग्रिपिंग. सबको वी कांट पिक वन राइट नाउ, इट्स टू अर्ली आल्सो, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है. हमारे सब दोस्त हैं, तो हम दोस्त हैं लेकिन कभी किसी को डांस करते हुए नहीं देखा है. तो या देखते हैं, आई थिंक वंस अ फ्यू वीक्स पास बाय देन वी विल बी एबल टू पुट अ फिंगर ऑन वन कपल और टू कपल्स और आई डोंट नो. सब हमारे दोस्त हैं, तो हम लोग तो मधुरिमा हो या कीथ हो, रोशेल एंड अनीता, रोहित, अली, एवरीवन, सच गुड फ्रेंड्स वी हैव हियर. सो हम तो बोल भी नहीं सकते कि हम चाहते ये जीते वो जीते, हम तो चाहते सब लोग जीत जाए, काश. देखो शो वो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं या कहानी आगे क्या होने वाली है ये सब मैं नहीं बता सकती हूँ. मोहब्बतें अभी भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन करण को तो डेफिनेटली वी आर मिसिंग अ लॉट ऑन सेट. वो उसकी जो लाइवलीनेस है वो ऑब्वियसली वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. बट अभी ऐसे पार्टीज़ में हम लोग मिल लेते हैं दोनों, एंड हमारे फैंस बहुत मिस कर रहे हैं करण को. सो आई होप ही कम्स बैक सून. मैं ठीक हूँ, आई एम रिकवर्ड मोस्टली. अनदर मंथ हाँ हो जाता है यार. अब हम लोग ना एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं, हम बाहर एक्सटीरियर हमें पता होता है, देख के आईने में देख के हम जानते हैं अरे यार मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, थोड़ा पेट अंदर कर लूँ, ये सब चीज़ें हमें दिखती है. लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो आपके अंदर फूड दिख रहा होता है, पर ये नहीं पता कि वो यमी फूड कैसे बना है, कहाँ बना है, कैसे बना. बड़े इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते थे खाने की, उन्हीं में से किसी ने गड़बड़ किया है. आप नहीं जानते हो कि आपने क्या खाया है, वो कैसे इम्पैक्ट किया है. सो आई थिंक थ्रू दिस आई जस्ट लाइक टू से वन स्मॉल थिंग, कि जस्ट बी केयरफुल ऑफ वट यू पुट इन योर माउथ, एंड अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहे. I think my well-wishers or people who are, you know, like the social media family are now seeing me standing here talking, so they can be rest assured that I'm absolutely fine. And yeah, like I said, just be careful ki aap log kya khate hain. I'm very happy that they are standing by our side at all times. Hamari na bahut badi strength hai hamare fans. Agar wo hamare saath nahi ho na to एक्चुअली मैं कई बार अकेला फील करने लगती हूँ. मैं वहाँ पे जब हॉस्पिटल में थी और मतलब थे ये पर हम साथ में थे, पर उनके जो मैसेजेस आ रहे होते थे ना, कमेंट्स आ रहे होते थे, दैट यूज्ड टू मेक अस फील गुड. सो